अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए, मौका मिल जाए, एक सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आप देखना पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुराना ले। पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे, मतलब उनको उनको जिंदगी जीना नहीं आता, वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आपने आप में से 100-200 लोग थे, मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे, मैंने पूछा। 110-120 लोग थे, एक लड़के ने हाथ उठाया। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया, कहता है हां। मैंने कहा क्यों, पापा और मां, मेरे पापा और मां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे, सारे हाथ उठा देंगे, तो सब भागे। फिर पूछना भैया वापस कितने गए, एक हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और